कट, जबरदस्त बॉयस, बहुत अच्छा शॉट दिया, एक्सीलेंट अली भाई, बहुत अच्छा। अच्छा तो सिर्फ तुझे अपने डायलॉग याद है ना? याद है सर। ठीक है, अब तेरे पास एक सिंधी बंदा आके बैठेगा, ठीक है? तुझे बोला था ना एक सिंधी बंदा लाने को, उसका क्या हुआ? जी जी सर, मैंने उसे बोला है, वो थोड़ी देर में आता होगा। अबे शक्ल क्या देख रहा है, जल्दी उसको लेके आ, जल्दी कर। और सुन, प्योर सिंधी बंदा होना चाहिए, ठीक है, ताकि एक्टिंग नेचुरल लगे। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। सर, मैं सिंधी बंदे को लेकर आया हूँ। हाँ भाई, सिंधी मानू कर लेगा एक्टिंग? पहले कभी की है एक्टिंग? सर पहले कभी की तो नहीं है, लेकिन एक्टिंग का मुझे बहुत शौक है और टिकटॉक पर मेरे 20,000 फॉलोअर्स भी हैं। देखो साईं, ये कोई टिकटॉक नहीं है, यहाँ पर हम एक फनी सीन बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको एक सिंधी की फनी एक्टिंग करनी है। आप कर लोगे ना? हाँ सर, मैं कर लूँगा। बताएं मुझे क्या करना है, मैं रेडी हूँ। रेडी है तू? भाई किस एंगल से तू सिंधी लग रहा है यार। सिकंदर लेके जाए इसको और कोई सिंधियों वाला गेटअप करवा के ला। ठीक है सर, ठीक है। जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर। चल भाई कैमरा रेडी कर, चल। सर मैं रेडी हूँ। अरे भाई कहाँ से लेके आया इसको यार। भाई तुझे सिंधी बनना है, सिंधी लगना है तुझे, फनी एक्टिंग करनी है। जा कोई गला वाला खोल यार, वो टोपी पहन के आ, और वो लाल चादर तुम लोग पहनते हैं, क्या कहते हैं नाम उसका? अजरक कहते हैं, और वो हम सिंधियों की शान है। हाँ वही वही, वो पहन के आ, थोड़ा जाहिलों वाला लुक बना। जल्दी कर यार, जल्दी कर, जल्दी कर, जा जा। सर अब ठीक लग रहा हूँ? हाँ अब लग रहा है ना तू सिंधी मानू। अच्छा मेरी बात सुन, अब तुझे करना ये है कि तू वहाँ पर जाके बैठेगा, चाय का ऑर्डर देगा, उसके बाद इन लोगों की बात सुनेगा। बात सुनने के बाद तू बोलेगा कि आप लोग मेहमान लगते हो हमारे, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि हमारे मेहमानों को अगर कोई तंग करे तो हम उसका सर तन से जुदा कर देंगे। उसके बाद तुझे बोलना है कि हुक्म करो किसको उठाना है। मैं सिंध के मशहूर डाकू परू चांडो के खानदान से हूँ, ठीक है, समझ गए? ठीक है सर, समझ गया। साउंड कैमरा एक्शन। भाईजान एक चाय लेके आना। कट कट। अरे भाई तू क्या कर रहा है यार, थोड़ा दबदबे के साथ आके बैठ, थोड़ा ढाबे से चाय का ऑर्डर दे, लगे तो सही तू सिंधी है यार, क्या कर रहा है? चल रीटेक ले, जल्दी कर। टेक टू, साउंड कैमरा एक्शन। चल छोटू एक चाय लेके आ। कट। एक्सीलेंट लड़के, यही चीज मुझे चाहिए। चलो अब दूसरा शॉट लेते हैं। हेलो भाई, क्या बार बार कॉल कर करके तंग कर दिया है तुमने, हद होती है यार, पता नहीं कहाँ से आते हैं भाई। बाहर के लगते हो, मतलब हमारे मेहमान हो, और हमारे मेहमान। कट कट। भाई ये तू क्या कर रहा है यार, सिंधियों वाली फीलिंग ही नहीं आ रही यार, तू हुलिये से तो सिंधी लग रहा है, बातों से तो पढ़ा लिखा लग रहा है। चलो दूसरा टेक लेते हैं, इस बार सही करना। टेक टू, साउंड कैमरा एक्शन। हेलो भाई, क्या बार बार कॉल कर करके तंग कर दिया है तुमने, हद होती है यार, पता नहीं कहाँ से आते हैं भाई। लगता है दूर से हो, मतलब हमारे मेहमान हो, और हमारे मेहमान को कोई तंग करे तो हम उसका सर तन से जुदा कर देते हैं। हुक्म करो किसको उठाना है, मैं सिंध के मशहूर डाकू परू चांडो। अबे यार ये मुझसे नहीं होगा। क्यों भाई, क्यों नहीं होगा? तुम्हारी वजह से लाखों लोग हंसेंगे। नहीं सर, चंद लोगों को हंसाने के लिए मैं अपनी कौम का मजाक नहीं उड़ा सकता। बेशक एक्टिंग मेरा शौक है, लेकिन मैं अपने शौक के लिए 5,000 साल पुरानी तहजीब रखने वाली अजीम कौम की इज्जत का तमाशा नहीं बना सकता। क्या एक सिंधी पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकता? क्यों आपके हर फिल्म और ड्रामे में सिंधी को डाकू और जाहिल दिखाया जाता है? क्यों हमारा खुलूस, सादगी और मेहमान नवाजी आपकी फिल्मों में दिखाई नहीं जाती? सर मैं जा रहा हूँ, अगर सिंधी के लिए कोई अच्छा कैरेक्टर हो तो मुझे जरूर बता देना, आई विल डू इट।